दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों IPL 2020 में इस बार काफी सारा मजा आने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस साल हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं IPL 2020 की हर टॉप मोमेंट्स की जानकारी। सबसे पहले जहां पर दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस बार खेले जाने वाले ऑल स्टार मैच के बारे में पूरी जानकारी की। दोस्तों ये मैच क्या है, किस वजह से खेला जा रहा है, कौन सी टीम होंगी और डेट्स क्या होगी और भी काफ़ी सारी बातों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो गाइस कहीं मत जाइएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और क्रिकेट और IPL की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस बार के IPL 2020 की हर टीम के मैच के दौरान और मैच के बाद की टॉप मोमेंट्स की वीडियो देखनी है तो गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टिकटॉक आईडी को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस ऑल स्टार मैच की बातों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि ये ऑल स्टार मैच एक चैरिटी मैच है और दोस्तों सोमवार को गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के दौरान इस ऑल स्टार मैच को कराने के ऊपर सहमति बनी, जहां पर दोस्तों BCCI के नए अध्यक्ष सौरव गांगुली की ये इच्छा थी कि IPL के शुरू होने से पहले ये ऑल स्टार मैच खेला जाए। और दोस्तों आपको बता दें कि ये ऑल स्टार मैच जो है वो सभी 8 फ्रेंचाइज के स्टार खिलाड़ियों के बीच में खेला जाएगा। जहां पर दोस्तों बात करें डेट्स की तो करीब 26 या फिर 27 मार्च को ये मैच जो है वो खेला जाएगा। दोस्तों इस मैच को लेकर वेन्यू अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही दोस्तों शेड्यूल आएगा वैसे ही इस मैच का वेन्यू भी डिसाइड हो जाएगा कि किस मैदान पर इस मैच को खेला जाएगा। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि किन किन टीम्स के बीच में ये मैच खेला जाएगा। तो दोस्तों जहां तक खबरों की माने तो ये मैच जो है वो साउथ जोन और वेस्ट जोन के बीच में होगा, यानी कि साउथ जोन में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के खिलाड़ी खेलेंगे। तो वहीं वेस्ट जोन में किंग्स इलेवन पंजाब, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के खिलाड़ी खेलेंगे। यानी कि दोस्तों धोनी, रोहित और विराट ये तीनों दिग्गज खिलाड़ी हमें एक बार फिर से मैदान पर एक साथ एक ही टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन सी वो प्लेइंग 11 हो सकती है जो कि इन मैचों में इन दोनों ही जोन की हो सकती है। तो दोस्तों हम एक संभावित प्लेइंग 11 बनाएंगे इन दोनों ही जोन्स की। तो सबसे पहले हम प्लेइंग 11 बनाते हैं वेस्ट जोन की। तो दोस्तों ओपनर्स के स्लॉट के लिए यहाँ पर मुझे लगता है कि KL राहुल और जॉस बटलर वेस्ट जोन की तरफ से ओपन करेंगे। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 पर शिमरन हेटमायर, नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पर ऋषभ पंत, नंबर 6 पर आंद्रे रसल, नंबर 7 पर बेन स्टोक्स खेलने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों नंबर 8 पर जोफ्रा आर्चर, नंबर 9 पर पैट कमिंस, नंबर 10 पर रविचंद्रन अश्विन और नंबर 11 पर कुलदीप यादव खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों ये तो हुई वेस्ट जोन की प्लेइंग 11। दोस्तों आप भी अपनी प्लेइंग 11 बनाकर कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज अब बात करते हैं साउथ जोन यानी कि RCB, CSK, SRH और मुंबई इंडियंस की कंबाइन प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों ओपनिंग में मेरे हिसाब से डेविड वार्नर के साथ में रोहित शर्मा को ओपन करना चाहिए। इसके बाद नंबर 3 पर विराट कोहली, नंबर 4 पर AB डिविलियर्स, नंबर 5 पर MS धोनी, नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या और नंबर 7 पर शिवम दुबे खेलेंगे। इसके बाद दोस्तों नंबर 8 पर राशिद खान, नंबर 9 पर यूजी चहल, नंबर 10 पर जसप्रीत बुमराह और नंबर 11 पर दीपक चाहर खेलेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह की प्लेइंग 11 जो है वो वेस्ट जोन और साउथ जोन की रह सकती है इस ऑल स्टार मैच में। अब दोस्तों आप भी अपनी प्लेइंग 11 बनाकर हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अपना शैतानी दिमाग जो है वो इस प्लेइंग 11 में लगाएं और देखते हैं कि किसकी प्लेइंग 11 सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। तो दोस्तों आई होप कि आपके इस ऑल स्टार मैच के बारे में और इस मैच को लेकर सारे डाउट जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल
सवाल है, कोई डाउट है, कोई दुविधा है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और ऐसे ही अपडेट्स को सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर से दबा लीजिए। धन्यवाद।